कानपुर में लव जिहाद के मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी SIT को विदेशी फंडिंग या सुनियोजित साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। टीम ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट इंस्पेक्टर जनरल को सौंप दी है। SIT ने 11 सहित कुल 14 मामलों की जांच की, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। IG मोहित अग्रवाल ने कहा कि कानपुर में कुल 14 मामले सामने आए थे, जिसमें माता पिता ने यह आरोप लगाया था कि उनकी बेटियों को लड़कों ने धोखे से फंसाया है। SIT ने सभी मामलों की जांच की और इन 11 मामलों में से कुछ में अपराध पाए गए और 11 लोगों को जेल भेजा गया। हालांकि 3 मामलों में बालिग युवतियों ने पुरुष के बचाव में बयान दिया है, जिसे फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिली। इन 3 मामले में आगे कोई जांच नहीं हुई है। अग्रवाल ने आगे कहा कि कथित लव जिहाद के इन मामलों में SIT ने पाया है कि आरोपी पुरुषों में से 4 एक दूसरे के संपर्क में थे। इसके अलावा 3 मामलों में आरोपियों ने कथित तौर पर किसी और धर्म को दर्शाने वाला अपना नाम बताया था। हालांकि IG मोहित अग्रवाल ने यह भी बताया कि जांच में किसी गिरोह का हाथ होने या साजिश का खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जांच में अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई जिससे यह पता चले कि यह गिरोह है या कोई संगठन और साजिश के तहत यह सब किया गया हो। हालांकि धोखाधड़ी की बात सामने आई है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बदल कर धोखा दिया है और उन्होंने कुछ नाबालिग लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया है। इसके अलावा ये आरोप लगाया गया है कि अन्य धर्मों की लड़कियों से शादी करने के लिए आरोपियों ने लड़कियों का नाम और धर्म भी बदल दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि नाम परिवर्तन और धर्मांतरण की प्रक्रिया में कानून का पालन भी नहीं किया गया था। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई करने की उम्मीद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने पिछले हफ्ते यह घोषणा की थी कि राज्य में जल्दी ही लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून लाया जाएगा और इस मामले में गृह विभाग ने अपना एक प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को भेजा है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।